अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपाउंड वर्ड्स की एक्टिविटी। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इसकी एक्टिविटी और न्यू वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताने चलूँगी, ऑलरेडी बच्चे एक क्लास में कर चुके हैं, आपने घर में क्या करना है कि जैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप इसकी वर्कशीट बना सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ये सारी पिक्चर्स बना के इसके बाद आप उसके वर्ड्स साथ लिख के बच्चों से मैचिंग करवा सकते हैं, और मैचिंग करवाने के बाद उनके वर्ड्स आप सामने लिखवा सकते हैं। हियर आवर मेन पर्पस इज राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैचिंग एंड देन राइटिंग। आपने क्या करना है कि स्टूडेंट से बार 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 इसको राइट करवाना है, कंपाउंड वर्ड्स को सामने रखते हुए। अगर आप पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकती तो आप ये वर्ड्स राइट कर लें और स्टूडेंट्स से उसको मैच करवाते हुए सामने लिखवा लें। इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स को ये भी बता सकती हैं, जैसे जेली और फिश बहुत आर डिफरेंट, लेकिन जब जेली फिश को हम कंबाइन करते हैं, जब ज्वाइन करते हैं तो एक न्यू वर्ड जनरेट हो जाता है। तो जेली फिश की पिक्चर आप देख सकती हैं कि वो टोटली डिफरेंट है। इसी अंदाज में आप सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, बार बार दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाएं कि ये वर्ड डिफरेंट है, जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो एक डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा इस वर्ड का। इसी अंदाज में ये एक्टिविटी करने बच्चों को करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने सीखा होगा कि आपने कंपाउंड वर्ड्स की एक्टिविटी को कैसे करवाना है, और इसके साथ आपने ये नहीं भूलना कि आपने इस एक्टिविटी को लिखवाना है बच्चों से। स्टे ब्लेस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।